हे गाइस, तो प्रो कबड्डी सीजन 10 कल से स्टार्ट होने जा रहा है और सारे 12 टीम्स के कैप्टन्स का लिस्ट अब ऑफिशियली आ चुका है। दो टीम्स थे जिनका अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बेंगलुरु बुल्स और हरियाणा स्टीलर्स, जिन्होंने भी अपना कैप्टन्स को अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में। अगर आप टेलीग्राम में एक्टिव हो और अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको अपडेट किया है। इस वीडियो में सारे टीम्स के कैप्टन भी जानने को मिलेंगे। एक ऐसी टीम है जिन्होंने दो कैप्टन अनाउंस किया है, वाइस कैप्टन्स भी आपको बहुत सारे टीम्स के जानने को मिल जाएंगे जो कि हुए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी गेमिंग वेबसाइट वन विन के बारे में। वन विन पे आप 10,000 जितना गेम्स खेल सकते हो और मिनिमम डिपॉजिट 300 रुपीज़ है। कल से प्रो कबड्डी का जो रोमांच है वो शुरू हो रहा है और जाके आपको 500% इंस्टेंट बोनस मिलेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, हमारा प्रोमो कोड KS375 को रजिस्ट्रेशन की तरफ वहाँ पे यूज़ करना है। जैसे आप रजिस्टर करते हो हमारा कोड यूज़ करके 500% इंस्टेंट बोनस मिलेगा विद अ मिनिमम डिपॉजिट 300 रुपीज़। तो जाओ टीम बनाओ अपना कबड्डी का और इंस्टेंट बोनस पाओ और हमारा प्रोमो कोड को यूज़ करो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैप्टन्स का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। कुछ टीम्स हैं जिन्होंने दो दो वाइस कैप्टन भी अनाउंस किया है और एक टीम है जिन्होंने दो कैप्टन्स को अनाउंस किया है। सब कुछ जानने को मिलेगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीम के साथ। सबसे पहले टीम यहाँ पे होने वाली दबंग दिल्ली के, जिनके कैप्टन इस सीज़न भी नवीन कुमार रहेंगे और वाइस कैप्टन विशाल भारद्वाज रहने वाले। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले हो चुका था, आई थिंक एक हफ्ता हो गया। कैप्टन नवीन कुमार ही रहेंगे और वाइस कैप्टन एज एक्सपेक्टेड विशाल भारद्वाज रहेंगे, जो कि बहुत अच्छे लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है। उम्मीद है वो अच्छा करे। और दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा उतरना होगा दबंग दिल्ली के लिए इस सीजन। तो ये है दबंग दिल्ली के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इस सीजन के लिए। आई होप नवीन और विशाल का जो डुओ है, मतलब एक रेडिंग तो नहीं, एक अच्छा रेडर है, अभी गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया के लिए, एक कॉर्नर डिफेंडर है, उम्मीद है अच्छा साबित हो। दूसरी टीम यहाँ पे होने वाली यूपी योद्धा, जिनका कैप्टन प्रदीप नरवाल ही रहने वाले। लास्ट सीजन नीतीश कुमार कैप्टन थे, मिड सीजन में प्रदीप नरवाल को कैप्टन बनाया गया था और इस सीजन प्रदीप नरवाल ही कैप्टन रहेंगे। ये ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। आप देख सकते हो किस तरीके से यूपी ने प्रदीप के लिए पोस्ट किया था। प्रदीप ऑफिशियली कैप्टन होने वाले प्रो कबड्डी सीजन 10 के लिए यूपी योद्धाज में। अब हम चलते हैं तीसरी टीम पे, फटाफट तीसरी टीम पे चलते हैं। तीसरी टीम यहाँ पे होने वाली है जयपुर पिंक पैंथर्स के, जिनके कैप्टन इस सीज़न भी सुनील कुमार रहने वाले, जिन्होंने लास्ट सीज़न जयपुर को चैंपियन बनाया था सीज़न 10 में। इस बार भी वही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। जयपुर ने भी कल परसों पोस्ट डाल दिया था, सुनील कुमार ही कैप्टन रहेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। होप सो इस सीज़न भी वो अच्छा करके दिखाए एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी। तो ये बात था जयपुर पिंक पैंथर्स का। अब चलते चौथी टीम पे। चौथी टीम यहाँ पे होने वाली है बेंगलुरु बुल्स के, जिनका हम वेट कर रहे थे। कैप्टन इस बार सौरभ नांदल रहेंगे और वाइस कैप्टन विकास कंडोला रहेंगे। देखो किस तरीके से बुल्स ने भी ऑफिशियली पोस्ट किया था, सौरभ नांदल को कप्तान बनाया गया है। हम सोच रहे थे सुरजीत को बनाएंगे या फिर भरत को, सुरजीत का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था लेकिन सुरजीत को नहीं बनाया। वाइस कैप्टन विकास कंडोला है और कैप्टन है सौरभ नांदल। ये है बेंगलुरु बुल्स के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इस सीजन के लिए। आपको कैसा लग रहा है ये कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बुल्स का, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे पांचवी टीम पे। पांचवी टीम होने वाली गुजरात जायंट्स की, जिसके कैप्टन इस सीज़न फजल अतराचली रहेंगे और वाइस कैप्टन रोहित गुलिया रहने वाले हैं। कैप्टन फजल अतराचली को आपने ऑक्शन में खरीदा तो कोई डाउट ही नहीं है कि फजल कैप्टन रहेंगे या कोई और रहेंगे, और वाइस कैप्टन आपको रोहित गुलिया देखने को मिलेंगे। ये भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था शायद हो सकता था नबी बक्स के साथ जाए क्योंकि ईरान के खिलाड़ी, लेकिन उनका स्टार्टिंग 7 में रहना ना रहना वो भी कन्फर्म नहीं है। जो आपके पास रोहित गुलिया जैसा प्लेयर हो तो रोहित गुलिया टीम के वाइस कैप्टन रहने वाले हैं और कैप्टन सुल्तान फजल अतराचली रहेंगे। तो ये है गुजरात के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। अब चलते हैं हम तेलुगु टाइटन्स में, जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी आ चुका है, कैप्टन पवन शेरावत रहेंगे और वाइस कैप्टन परवेश भैंसवाल होते हुए दिख जाएंगे आपको। पवन शेरावत ऑफिशियली कन्फर्म है कैप्टन रहेंगे। टीम इंडिया को एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। कप्तानी जिस तरीके से टीम को संभाला है, यही कैप्टन रहेंगे, ये भी कन्फर्म है। और साथ ही में वाइस कैप्टन मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था, परवेश ही रहेंगे और परवेश भैसवाल ऑफिशियली हो चुके हैं कि वाइस कैप्टन रहेंगे तेलुगु टाइटन्स का। मुझे उम्मीद है दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आए और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। अब टीम में एक और बड़ा डिफेंडर संदीप धूल आ चुका है, उनके एडिशन से भी मुझे उम्मीद है टीम अच्छा करेगा। और अब आपको तेलुगु टाइटन्स का मैंने बात कर लिया है, अब चलते हैं अगली टीम पे। अगली टीम ऐसी है जिन्होंने दो वाइस कैप्टन अनाउंस किए और एक कैप्टन अपने अनाउंसमेंट में अभी कल परसों हुआ था उसमें अनाउंस किया है। यू मुंबा के कैप्टन सुरेंद्र सिंह इस सीज़न भी रहने वाले और
वाइस कैप्टन महेंद्र सिंह और रिंकू शर्मा रहेंगे। कैप्टन का जो भूमिका है वो इस बार भी सुरेंद्र सिंह संभालने वाले, और वाइस कैप्टन दो नाम है, महेंद्र सिंह और रिंकू शर्मा। महेंद्र सिंह भी हिमाचल प्रदेश से बुल्स के कैप्टन थे पिछले सीजन, वो भी युवुम्बा आ चुके हैं, और रिंकू शर्मा जो कि लगातार बने हुए हैं युवुम्बा के राइट कॉर्नर, जबरदस्त राइट कॉर्नर है, वो भी वाइस कैप्टन है। तो दोनों को एज अ सुरेंद्र की डेप्यूटी काम करेंगे इस सीजन, एज अ कैप्टन इन तीनों को टीम को संभालना है, और कैप्टन सुरेंद्र सिंह और वाइस कैप्टन महेंद्र और रिंकू शर्मा रहेंगे, दो वाइस कैप्टन और एक कैप्टन युवुम्बा के। अब चलते तमिल थलाइवास पे, इनके कैप्टन रहने वाले इस बार भी सागर राठी, वाइस कैप्टन अजिंक्य पवार और साहिल गोलिया रहेंगे। कैप्टन सागर राठी ऑफिशियली कन्फर्म है और सब कुछ कन्फर्म है। वाइस कैप्टन के दो अनाउंसमेंट हुए थे, पहले अजिंक्य पवार का हुआ था, उसके बाद अगला नाम भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले सागर राठी पे आ जाते, पिछले सीजन कप्तान यही थे, बीच में इंजर्ड हो गए थे, फिर अजिंक्य पवार को कैप्टन बनाया गया था, लेकिन इस बार भी कप्तानी सागर करेंगे कि वो पूरे फ्री और बहुत अच्छे डिफेंडर है राइट कॉर्नर के, और वाइस कैप्टन अजिंक्य पवार हमारे बहुत अच्छे रेडर, और साथ ही में दूसरा वाइस कैप्टन साहिल गुलिया रहेंगे जो कि लेफ्ट कॉर्नर होंगे। सागर साहिल का जो कॉम्बिनेशन होगा कॉर्नर्स पे वो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस टीम के लिए। तो दो वाइस कैप्टन अजिंक्य पवार, साहिल गुलिया और कप्तान सागर राठी, ये होने वाले यहाँ पे तमिल थलाइवास के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। चलते हैं पुणे की तरफ, पुनेरी पलटन में सादलू आ चुके हैं लेकिन कप्तान रहेंगे असलम इनामदान, एक इतने अच्छे यंग रेडर आपके लिए कप्तानी करेंगे। पहले मुझे दो नाम ऑफिशियली मुझे जहन पे आ गए थे, सादलू या फिर असलम होंगे, लेकिन असलम को कैप्टन बनाया गया, जो पोस्ट डाला था ना इन्होंने मुझे उससे ही लग गया था असलम ही होंगे और असलम ही कैप्टन रहेंगे। इस बार नया कप्तान है यंग खिलाड़ी असलम इनामदार, पुनेरी पलटन के इस सीज़न के लिए कप्तान रहेंगे। वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सादलू ऑफिशियली ऑब्वियसली संभालेंगे इस टीम को, लेकिन कप्तानी असलम इनामदार करेंगे। अगली टीम बंगाल वॉरियर, जिनके कप्तान मनिंदर सिंह रहेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मनिंदर सिंह ऑफिशियली कप्तान बन चुके, और नया जर्सी पे इनका पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा कि बंगाल ने अपना जो जर्सी है और साथ ही में लोगो है उसको चेंज कर दिया है, और मनिंदर सिंह इस बार भी कप्तानी करेंगे बंगाल वॉरियर्स के लिए। उम्मीद है टीम अच्छा करके दिखाए पिछले सीजन से, मनिंदर सिंह ऑफिशियली कैप्टन बन चुके। चलते हैं पटना की तरफ, पटना पायरेट्स का क्या सीन है, पटना के कैप्टन इस सीज़न भी हमें नीरज कुमार होते हुए दिखेंगे, कंफर्म हो चुका है नीरज कुमार ही कप्तानी करेंगे द वॉल ऑफ पटना पायरेट्स। जिस तरीके से इन्होंने पोस्ट डाला था नीरज कुमार करेंगे, वैसे आप सचिन तनवर को दे सकते थे, मंजीत दहिया को दे सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लगा होगा कि अगर हम उनको दे दें तो एक तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन नीरज कुमार का पिछला सीज़न हमने देखा थोड़ा सा अच्छा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार भी कप्तानी है। नरेंद्र रेडू सर और मैनेजमेंट में इनको वापस यकीन दिलाया है कि यही कप्तानी कर सकते, और नीरज कुमार ऑफिशियली कप्तान है पटना पायरेट्स के। अब चलते हैं हम हरियाणा स्टीलर्स पे, ऐसी टीम जिन्होंने बहुत समय लिया, और कप्तान है दो, जयदीप दहिया और मोहित नांदल, जो कि दो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरीके से मनप्रीत चंड ने अनाउंसमेंट किया था इस टीम के बिल्कुल है, क्योंकि जो कवर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सही सेट है, और दो कप्तान के बाद ऐसा पहले बार प्रो कबड्डी में हो रहा है कि दो कप्तान के साथ एक टीम जा रही है, वो है हरियाणा की टीम। अगर आप ऑल टाइम देख लो तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दो कप्तान एक टीम को कप्तानी कर रहे हो। इस बार मोहित जयदीप की जो कवर डुओ है वो एज अ कैप्टन इस टीम को भी संभालेंगे, जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस भी मुझे लगता है वैसा ही होगा जिस तरीके से कंटिन्यूसली अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी इनका जो रहता है, और ऐसा कर सकते थे चंद्रन रंजीत या देसाई को बनाना, लेकिन चंद्रन रंजीत का मैं कह चुका हूँ इंजरी हुआ है, उनका जो लेफ्ट हैंड है वो फ्रैक्चर हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, और सिद्धार्थ देसाई का हो सकता है कि सिद्धार्थ के परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़े, एक अच्छा डिसीजन हरियाणा ने लिया है मुझे ऐसा लगता है। ये है सारे 12 टीम्स के ऑफिशियल कैप्टन्स, आप कितने खुश हो सारे टीम्स के कैप्टन से, आपके फेवरेट टीम कमेंट करो। कल से प्रो कबड्डी स्टार्ट हो रहा है, और प्रो कबड्डी में बहुत मजा आने वाला, कल डबल हेडर है, अहमदाबाद लेग से स्टार्ट होगा, और आपको बहुत सारे वीडियोस अभी मिलेंगे, एक लाइव टेलीकास्ट का मिलेगा, साथ ही में कल के पहले और डबल हेडर का प्रेडिक्शन का भी जरूर वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में लिंक है रजिस्ट्रेशन का, वन विन पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कराइए, और हमारा प्रोमो कोड KS375 को यूज़ कीजिए ताकि आपको इंस्टेंट 500% बोनस मिल जाए, और मिनिमम डिपॉजिट 300 रुपीज़ है, जाओ और अपने आप को फटाफट रजिस्टर करा लो, बहुत मज़ा आने वाला है, और वहाँ पे आप जाके अपना टीम वगैरह सब कुछ बना सकते हो, और जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अपने आप को रजिस्टर कराओ, हमारा प्रोमो कोड यूज़ करो इंस्टेंट बोनस पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, कैप्टन्स का अगला वीडियो आपको लाइव टेलीकास्ट मिलेगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।